गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। जी हां, आज अध्यापक दिवस है और देश के सभी अध्यापकों को गुरुग्राम न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से अध्यापक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोविड महामारी के दौरान एक अध्यापक का रोल कितना बदल गया है। आज घर बैठकर अध्यापक अपने छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। इस कोविड महामारी के दौरान बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर घर जाकर बच्चों को मिड डे मील दिए, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको किताबें पहुँचाई और ऑनलाइन तरीके से भी लगातार वो घर बैठकर अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आज गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे अध्यापकों को बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया ताकि अध्यापकों का हौसला बढ़ा रहे। अध्यापक दिवस पर सीडी इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से कुछ अध्यापकों को सम्मानित किया गया है उनके बेहतर काम के लिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जो उन्होंने बेहतर काम किया, अपने शिष्यों को विद्यार्थियों को जो सीख दी वो कामयाब हुए। रिजल्ट आपने देखे थे, टेंथ के और ट्वेल्थ के जो रिजल्ट आए थे वो बेहतर परिणाम थे, जबकि कोरोना महामारी उस दौरान चल रही थी। वो सब जो है उनका जो परिणाम जो है वो आपने देखा था कि किस तरह से सबने एग्ज़ाम में अपने अच्छे मार्क्स लिए। उसी को देखते हुए सीडी इंटरनेशनल ग्रुप ने अध्यापकों को सम्मानित किया। उनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ अध्यापक हैं जिनको सम्मान मिला है आज। हम कैसा लग रहा है आज ये सम्मान आपको मिला? आज हमें बहुत ही गर्व का दिन महसूस हो रहा है। वी आर प्राउड टू बी अ टीचर और वी विल कीप डूइंग द गुड वर्क फॉर आवर स्टूडेंट्स एंड कीप दिस स्पिरिट अलाइव। वी आर द टीचर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड दिस टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस शुड नेवर बी स्टॉप ड्यू टू दिस कोरोना पीरियड। ओके, ये बहुत ही मुश्किल का समय है कोरोना, बट वी कैन नो अपने जो विद्यार्थियों को ऐसा नहीं छोड़ सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको शिक्षा प्रदान करें और वी आर ऑल्सो द वेरियर्स। हम भी अपने आप को वेरियर्स कहलाना चाहेंगे। डॉक्टर्स हाँ जान है तो जान है कि डॉक्टर जो है जान बचा रहे हैं, बट हम अपने स्टूडेंट्स का दिमाग जो खाली रह जाता है इस टाइम में, हम उनको पढ़ाने की उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो खाली ना रहें और हम अपना बेस्ट दे सकें ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहला ऐसा टीचर्स डे जिस पे जो विद्यार्थी साथ में नहीं है, कितना अधूरापन लग रहा है जिस टीचर्स डे पे? वैसे तो सर हमारा परिवार ही हमारे स्टूडेंट हैं और ये हमारे लिए बहुत, आप नहीं कह सकती है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छूट गया हमारे लिए, क्योंकि हम आज जो हैं हम अपने स्टूडेंट की वजह से हैं। हम टीचर हैं क्योंकि हमारे स्टूडेंट हैं। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि इस टाइम हम लोग अपना सेवा दे पा रहे हैं अपने देश को अपनी शिक्षा के माध्यम से, और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही प्राउड का है क्योंकि हमें आज हम सम्मानित किया गया है। दैट्स ऑल। वीडियो कॉल और मोबाइल पर क्लासेस लेना कितना मुश्किल रहा कोविड के दौरान? ये काल बहुत मुश्किल निकला है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि बच्चों ने भी अच्छे से सपोर्ट किया है, समझा है इस सिचुएशन को कि हम लोग बिना एजुकेशन के जो ये लैक ऑफ पॉइंट हमारा रह जाएगा उस चीज़ को कैसे कवर अप करेंगे। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है, बच्चों ने भी, हमने भी पूरी कोशिश की है कि हम बच्चों के लिए कोई भी लैक ऑफ पॉइंट ना छोड़ें, वो बच्चे इस कोरोना काल में घर पर बैठ के ब्लैंक ना हो जाएँ। तो वी विल ट्राई अवर बेस्ट। ये वो टीचर्स थे जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अच्छा काम किया, अपने विद्यार्थियों को अच्छी सीख दी ताकि वो कामयाब हो सकें। उनकी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सीडी इंटरनेशनल ग्रुप की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। और अध्यापक का काम होता है कि वो एक बच्चे को उस लायक बनाए कि समाज में वो कामयाब हो सके, कामयाबी हासिल कर सके, किसी भी तरह के जो वो असफलता का मुँह न देखना पड़े, इस तरह की सीख देकर अध्यापक देता है। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। देखिए, आज टीचर्स डे है। इस टीचर्स डे पर विभिन्न स्कूलों के तकरीबन 100 से ज़्यादा अध्यापकों को हमने आमंत्रित किया उनका सम्मान करने के लिए। उनका सम्मान इसलिए कि कोरोना काल की जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, जो कठिन परिस्थितियाँ, उन कठिन परिस्थितियों में उन लोगों ने किस तरह धैर्य का सामना करके और अपने बच्चों को बखूबी बहुत अच्छे से पढ़ाया, उन बच्चों को आगे भी बढ़ाया, उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, उन बच्चों में संस्कार भी डालते रहे, अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू उन लोगों को एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी भी वो लोग कराते रहे। तो ऐसे टीचर्स को चिन्हित किया गया, ऐसे टीचर्स को छांटा गया और उनको फिर टीचर्स डे पर सम्मान करने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। तो आज उन सभी टीचर्स का सम्मान किया। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन्होंने भी टीचर्स को सम्मानित किया अपनी तरफ से भी। और ये सम्मान समारोह
हमारा तकरीबन प्रत्येक वर्ष इस तरह से चलता है, जो अति उत्तम कार्य करते हैं टीचर्स उनको हम सम्मान देते रहे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी अध्यापकों तक हमारा ये नमन उन तक पहुंच पाए। नमस्कार।